हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। तो हम ब्लड के ऊपर बात करते हैं और ब्लड को देखते हैं कि ब्लड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा कितने परसेंट देखने को मिलेगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या है? सबसे पहले ब्लड आप सभी ने पता होगा, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? एक लिक्विड प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। एज इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या करता है? कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है। ब्लड कभी भी बॉडी के अंदर रुकता नहीं है। अगर ब्लड रुक गया तो समझ लीजिए क्लोट बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्लोट का। क्लोट क्या कोज कर सकता है? क्लोट कोज कर सकता है डेथ। देखिएगा, मान के चलिएगा ये हमारी क्या है? एक आर्टरी है। आर्टरी, इसके अंदर ब्लड क्या है? कंटिन्यू फ्लो करता है, कंटिन्यू फ्लो करता है। ये तो क्या है? नॉर्मल। अगर मैं बात करूँ ये आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड फॉर्म कर रहा है, लेकिन किसी भी रीजन से ब्लड यहाँ पर क्लोट बन गया, यानी कि ब्लड रुक गया, ब्लड आगे नहीं जा रहा है। ब्लड आगे नहीं जाने का मतलब क्या होता है? ब्लड यहाँ पर क्लोट बना लिया। क्लोट का फॉर्मेशन होने से आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। आगे ब्लड की क्या नहीं होगी? सप्लाई नहीं होगी। आगे ब्लड की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से उतना नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल में जा रहा था, तो इससे डेथ कोज हो सकती है। क्या कोज हो सकती है? डेथ। तो मैंने जब ही कहा कि ब्लड क्या एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और जो बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली क्या करता है? बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ब्लड ऑल्सो फ्लूड ऑफ लाइफ, फ्लूड ऑफ हेल्थ। ब्लड को हम फ्लूड ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं और फ्लूड ऑफ हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्लड की पीएच की बात करें, क्या पीएच कितनी देखने को मिलती है? 7.35 से 7.45। ये कैसी होती है? स्लाइटली एल्कलाइन। अब पीएच की फुल फॉर्म तो सभी को पता है ना भाई? कोई है जिसको नहीं पता? अगर किसी को ना भी पता हो तो हम लिख देते हैं ब्लड की क्या पीएच कितनी देखने को मिल सॉरी ब्लड की पीएच यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पीएच की? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अरे सर, ये तो हमको सबको पता था। अरे भाई, है बहुत से कार्टून। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 7.35 से 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। ब्लड कंस्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर आपसे बात करी जाए कि टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितना परसेंट कैरी करता है, तो ब्लड करता है 7 to 8%। कितना? 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एक एडल्ट है, मान के चलिए उसका वेट कितना है? 70 kg है। 70 kg का 7 to 8% ब्लड देखने को मिलेगा। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट के अंदर, यानी कि एडल्ट मेल के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 liter और फीमेल के रिगार्डिंग 4 to 5 liter। सर, फीमेल में कम क्यों होता है? क्योंकि फीमेल का दिल छोटा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट ब्लड कितनी देखने को मिलती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 to 1.062। सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आई, कैसे निकाली जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने से पहले हमको, हम जिस चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उस चीज़ की हमको डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? डेंसिटी। देखिएगा, मेरे को ब्लड की क्या निकालनी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? ब्लड की। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने से पहले उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं? ब्लड की। किसके कंपेयर में निकाली जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? हमेशा वाटर के कंपेयर में निकाली जाती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी देखने को मिलती है? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1000 kg/m³। और ब्लड की डेंसिटी कितनी होती है? ब्लड की डेंसिटी होती है 1063 kg/m³। kg/m³ से kg/m³ कटस, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.06। ये क्या है? एवरेज है। यही क्या है? किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है? ये ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.05 to 1.062। क्लियर भाई?
एक वाटर के कंपेयर में निकाली जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने से पहले आपको उस चीज़ की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो ब्लड की डेंसिटी कितनी थी हमारी, 1063 kgm³, और किसके कंपेयर में निकाली जाती है, वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी थी, 1000 kgm³। kgm³ से kgm³ कट गया, इसको डिवाइड करा तो ये आएगा। अच्छा, अगला पॉइंट देखिएगा, ग्लूकोज सोडियम आयरन, क्या ग्लूकोज सोडियम आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट, प्रोटेक्टिव सबस्टांस एज ए क्लोटिंग फैक्टर, ये सब ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मैं बात करूँ सर, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी बॉडी के अंदर, जैसे कि O2 और CO2 है, जब हम सांस लेते हैं तो O2 जाती है, O2 गई लंग्स के पास, लंग्स से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, और इसी तरह CO2 बाहर आती है ब्लड से होते हुए। न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी खाया पिया, अब सबको पता है खाया पिया कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने से वहाँ पर क्या है, जो ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड यानी कि जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई के अंदर डिजोल्व होगा न्यूट्रिएंट्स, डिजोल्व होकर पूरी बॉडी के अंदर क्या वो ट्रांसपोर्ट होगा। इसी तरह हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर पूरे बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं। अब ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको, आपने देखा होगा, आपको कभी चोट लग जाती है, छोटी चोट लग गई, छोटी मोटी, तुरंत ब्लीडिंग होने लग जाएगी, बट थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है अगर कोई छोटी चोट है। क्यों, किसकी वजह से रुकती है, वो क्लोटिंग फैक्टर की वजह से रुकती है। अगर ब्लड कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करता बॉडी के अंदर तो क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं करते, और चोट लगती तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग कंटिन्यूटी होती रहती है, वहाँ पर क्लोट नहीं बनता। जब भी तो 2 से 3 मिनट के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर क्लोट बन जाता है आपको कोई भी इंजरी होने पर। तो ये सब क्या है, ये ब्लड की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टार्ट करने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताना जरूरी है कि ब्लड की पीएच क्या है, ब्लड कितना परसेंट टोटल बॉडी वेट का होता है, और ब्लड कैसा कनेक्टेड टिश्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बात करता हूँ तो ब्लड के फंक्शंस की, यानी कि ब्लड बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन को प्ले करता है। तो देखिएगा, फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड देखते हैं। पहला क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, सिंपल भाषा में देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट, इट मतलब ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, हीट, इन सभी चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजना किसका काम है, ब्लड का। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर। जब ब्लड कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है बॉडी के अंदर तो ये सारी चीज़ें भी फ्लो करेगी, समझ गए। इसके बाद एक पॉइंट आता है, देखिएगा, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर, जब हीमोग्लोबिन कंबाइंड करता है यानी कि जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन कंबाइन विद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये दो टर्म को याद रखिएगा भाई, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 के साथ जुड़ेगा तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये रुक, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ब्लड यानी कि ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रुक जाएगी, ये सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी भाई, मैंने आपको बताया ना, अगर जैसे कहीं एक चीज़ के अंदर, जैसे कोई आर्टरी के अंदर, कोई वेन के अंदर क्या बन गया, क्लोट बन गया, क्लोट बनने से ब्लड आगे कैरी नहीं होगा। जब ब्लड आगे कैरी नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो आप सभी समझते हो भाई, डेथ कोज हो सकती है। क्या कोज हो सकती है, डेथ। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कैरी नहीं होंगे तो भी दिक्कत। सेकेंड पॉइंट आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना। ब्लड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहे। इन ऑल बॉडी फ्लूड सच एज, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो वाटर बैलेंस,
यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड वाटर को बैलेंस रखने का काम करता है। वाटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर। भाई ऑब्वियसली बात है, ब्लड के कंपोनेंट हम आपको पढ़ाएंगे आगे, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर 90% आपको वाटर देखने को मिलेगा, तो वाटर बैलेंस करने में हेल्प करता है। और बॉडी टेम्परेचर, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। ब्लड का टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होगा किससे, बॉडी टेम्परेचर से। प्रोटेक्शन, ब्लड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हेमरेज। अब ब्लड हेमरेज से, इंजरी से कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, तो देखिएगा, ब्लड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हेमरेज बाय क्लोटिंग आफ्टर इंजरी। इंजरी हो जाने के बाद ब्लड क्या करा देता है उस चीज पर, यानी कि उस साइट पर क्लोटिंग करा देता है। क्यों, क्लोटिंग कैसे होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कितना क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। WBC एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड प्रोटेक्ट बाय इन्फेक्टियस एजेंट। ब्लड के अंदर छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाने से, इन्फेक्टियस एजेंट आ जाने से, तो WBC एंटीबॉडीज जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या कर देती है, किल कर देती है और इनहिबिट कर देती है। जबी तो हम WBC को सोल्जर बोलते हैं, सोल्जर क्यों, क्योंकि वो सोल्जर की तरह काम करती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये सब छोटे मोटे क्या है इसके, ब्लड के फंक्शन। इसके बाद वाली क्लास में हम देखेंगे ब्लड के कंपोनेंट, यानी कि प्लाज्मा कितने परसेंट देखने को मिलेगा, ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन सी ब्लड सेल्स मिलेगी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का लाइफ टाइम देखेंगे, WBC का, प्लेटलेट्स का, और इनका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होता है, RBC का डिस्ट्रक्शन कितने दिन बाद होता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड के कंपोनेंट्स में देखेंगे, प्लाज्मा को डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और योद्धा नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहे। थैंक यू।